So the three sources we have seen is rain, surface and groundwater. Surface water mein aur kya hai? When we say surface water, what all are included in this? हम रिवर्स आते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस, हम ये सब हाँ, स्ट्रीम, टैंक, पॉन्ड्स, लेक, व्हाटएवर इज देयर, सरफेस सप्लाई है जिसका है. देन ग्राउंड वाटर में हमने पढ़ा था, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर? मैम इसमें वेल्स आते हैं हमारे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, शैलो वेल्स, डीप वेल्स, सैनिटरी वेल्स. तो ग्राउंड वाटर में दैट मीन्स वॉट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ ना, उसमें एक शैलो वेल है, देन डीप वेल हमने पढ़ा था. सी इवन इफ यू हैव मिस्ड ऑन एनी ऑफ द नोट्स यू कैन ऐड ड्यूरिंग द रिविजन क्लासेस. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट. हाँ, ग्राउंड वाटर में क्या क्या है? शैलो वेल, शैलो वेल्स, डीप वेल एंड स्प्रिंग्स, राइट? देन सीइंग द डिफरेंट सोर्सेस, व्हेन वी टॉक अबाउट रेन वी कॉल इट द प्योरेस्ट वाटर इन नेचर, है ना. ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ rain becoming impure is if there are dust, soot, microorganisms and gases such as carbon dioxide, nitrogen, oxygen and ammonia, right? Then other things about surface water we have studied, that our Indian cities mostly depend on the surface water. It can be rivers, streams, tanks, lakes, that we had studied. Then even sea water is a source, but then lot of desalting and demineralization has to be done, hai na. Fir ground water ke bare mein agar dekhe, ground water we had studied about reasons why ground water is a big advantage. What are the reasons? When we say ground water, ये वो water है जो percolate होकर जमीन के नीचे जा सका है ना. So when it has gone what is the advantage? मैम वो पॉल्यूट नहीं हो पाएगा, अगर सरफेस पे रहेगा तो पॉल्यूट हो सकता है. सो वो एक चीज है कि आपके सरफेस पोल्यूशन से पैथोजेनिक एजेंट्स जो हैं वो सबसे वो बचा रहेगा, है ना. एंड अनदर थिंग वी सॉ कि वी डोंट हैव टू डू सो मच ऑफ ट्रीटमेंट. अगर ऊपर का सरफेस वाटर है तो उसमें काफी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. फिर एक और चीज है, सरफेस वाटर जो है ड्राई सीजन में जल्दी ये हो जाता है ना, वैपरेट होके उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है. वेरस इतना इफेक्ट जो ग्राउंड वाटर पर नहीं पड़ता है. एंड देर आर सम डिसएडवांटेजेस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, लाइक मिनरल कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, एग्जांपल कैल्शियम एंड ऑल दैट कैन बी मोर. सो ग्राउंड वाटर में व्हाट आर द एग्जांपल्स वी सॉ, वन वाज वेल, राइट. वेल्स में जो हमने देखा था, दो टाइप ऑफ वेल्स पड़े थे, शैलो वेल एंड डीप वेल. डीप वेल, हाँ, शैलो वेल्स एंड डीप वेल्स. तो शैलो वेल्स जो है ये सब सॉइल लेवल के जो पानी है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना. एंड डीप वेल्स जो हैं ये डायरेक्टली जाकर वाटर बेयरिंग जो स्ट्रेटम है, जो हमारा इम्परवियस लेयर इन द ग्राउंड है,
इम्परवियस लेयर को क्रॉस कर कर उसके नीचे है ना डीप वेल, दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड. शैलो वेल इम्परवियस लेयर जो है, फर्स्ट इम्परवियस लेयर है उसके ऊपर है, वेर एज डीप वेल जो है फर्स्ट इम्परवियस जो लेयर है उसको भी क्रॉस करके नीचे तक डीप है. सो वॉट इज द रीजन, देन यू विल सी दैट द शैलो वेल इज टैपिंग द वॉटर अबाउ द इम्परवियस लेयर एंड डीप वेल्स आर टैपिंग वॉटर बिलो द इम्परवियस लेयर, है ना. फिर उसके बीच में डिफरेंसेस भी हमने पढ़े थे. When we talk about differences, what is the difference between a shallow well and a deep well? We had seen that you can differentiate it on the basis of the depth in which it is there. What is the chemical quality? Right? Chemical quality क्या है वो हम देख सकते हैं, और फिर बैक्टीरियल क्वालिटी कैसी है वो हम देख सकते हैं, और ईल्ड, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी और ईल्डिंग, यानी कितना वाटर सप्लाई रहेगा. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट, एक तरफ शैलो वेल क्या है, वो इम्परवियस लेयर, फर्स्ट इम्परवियस लेयर जो है उसके ऊपर से ये पानी को इकट्ठा अपने वेल की तरफ में खींचता है. वेरस डीप वेल जो है ये इम्परवियस लेयर के भी नीचे से, यूजुअली मशीन डक करके ही हम डीप वेल्स बनाते हैं, तो नीचे से भी ये पानी कलेक्ट करता है अपने वेल के अंदर. केमिकल क्वालिटी में देखें तो केमिकल क्वालिटी में जो शैलो है, शैलो का हार्डनेस मॉडरेट होता है और डीप में ज़्यादा हार्ड होता है बिकॉज मिनरल्स आर प्रेजेंट, ठीक है. और बैक्टीरियल क्वालिटी, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के हिसाब से अगर डिफरेंशिएट करें तो कंपेयर्ड टू डीप वेल, शैलो वेल विल बी ग्रॉसली कंटैमिनेटेड, ठीक है, ग्रॉसली कंटैमिनेटेड. एंड डीप वेल का जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी कैसा होता है, डीप वेल का बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी मीन्स उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं कम होते हैं, अगर हम लॉजिकली भी सोचें. लवली डीप में है, हाँ बेटा डीप में है ये वेल और ऊपर से कुछ ज्यादा जल्दी कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, तो इसका क्वालिटी कैसे होगा पानी का? मैम डीप है तो क्वालिटी मैम इतना ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होगा उसमें नीचे की तरफ को. वेरी गुड, है ना, हार्ड है पर प्योर है, उसमें बैक्टीरिया उतना नहीं होगा. और अगर हम वाटर की क्वांटिटी, वाटर के सप्लाई की क्वांटिटी को देखें तो आशीष, अगर वाटर सप्लाई की क्वांटिटी को देखें. यस मैम. हाँ, जो वेल्स शैलो हैं उसमें और डीप वेल में क्या फर्क है? जब गर्मी का मौसम सब आ जाता है तो कौन से वेल के पानी जल्दी सूखते हैं? मैम एक तो डीप वेल है मैम, उसका तो सूखता नहीं है. वेरी गुड, है ना, ये आप लॉजिकली भी देखो और जो प्रैक्टिकली आप देखते हो एनवायरनमेंट में उस चीज को भी याद रखें, ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इट डजंट ड्राई अप so easily, है ना. Okay, then after that what we had discussed was how the various dug wells can be improved, that we had seen.
डग वेल्स जो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ डग वेल्स आर देयर, एक है जो कच्चा वेल होता है राइट, और एक है पक्का वेल जो मेसनरी के मदद से किया जाता है. तो कच्चा वेल क्या है, कच्चा वेल इज अ होल डग इनटू अ वाटर बेरिंग स्ट्रेटम, ठीक है, और पक्का वेल इज एन ओपन वेल विच इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स राइट. एंड देन देर आर स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स आर टाइप ऑफ पक्का वेल्स, बट ग्रेजुअली these step wells are now not there because you also know that step wells could have allowed people to go towards the source of water, but then what happens is there is frequent contact na? So there is frequent contact of that water with the individual. So hamare yahan par health problem ke issues bahut hote hain kini worm. गिनी वर्म डिजीज वॉज अ मेजर इशू. सो वॉट वॉज डन, ग्रेजुअली स्टेप वेल्स को टोटली बंद ही कर दिया है, ठीक है. ओपन डग वेल्स एंड स्टेप वेल्स जो हैं कंपेरेटिवली हम हेल्थ हजार्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ईजिली इनमें कंटेमिनेशन हो सकता है. तो अमंग वेल्स द बेस्ट वन इन योर दीज वेल्स वुड बी द पक्का वेल दैट इज मेड, ठीक है. नाउ how can we make sure, if you remember we had spoken about, there was a discussion on sanitary well, sanitary well ke bare mein humne discuss kiya tha, ha yaad aa raha hai? Yes ma'am. Ha, agar confusion bhi hota hai, suppose when you see such a topic, प्लीज रिमेंबर द वर्ड सैनिटरी इज समथिंग टू डू विथ हाइजीन के साथ में. तो यानी इस वेल को ऐसे बनाया गया है ताकि हाँ देर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन, ठीक है, एंड सेफ वाटर सप्लाई बना रहेगा. अब देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज ऑफ अ सैनिटरी वेल. This is important because even in your community area, suppose you are working as a community health officer, you have to suggest, then you should know what all things have to be improved in a existing pattern of well dug in your area. तो पहली चीज आपको याद रखना होगा location. Location में आप याद रखोगे कि site proper choose करो, ठीक है, यानी किसी भी तरह का बैक्टीरियल कंटेमिनेशन उस वॉल के पास में से 15 मीटर या 50 फुट दूर होना चाहिए, विच मीन्स कचरा इकट्ठा होके जो पड़ा रहता है वो राइट. देन इट कुड बी कि सिवरेज है पास में, और इट कुड बी देर आर वॉशरूम्स टॉयलेट्स एंड ऑल नियर बाय. ये सब एटलीस्ट 15 मीटर दूर होना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशन, ठीक है. तो लोकेशन के बाद में जो नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है, लोकेशन में हमने एक और चीज देखा था कि मैक्सिमम कोशिश करो कि आपके जो सोर्स ऑफ वाटर है उसके 100 मीटर के आसपास में कुछ ना हो, ओके. तो नेक्स्ट सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया सैनिटरी वेल में है कि लाइनिंग, जो हमने आपसे बात किया कि कच्चा वेल में रिस्क ज्यादा है क्योंकि इजीली कंटेमिनेट हो जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट this particular sanitary well, उसमें lining में क्या क्या है, lining of the well should be made up of bricks or stone that is set in
सीमेंट, और ये कितना तक होना चाहिए? मैम 20 फीट डीप होना चाहिए। यस, तो कुआं के ऊपर ही 20 फीट ऊपर है ना, कुआं जो जमीन के साथ लगा हुआ है उसके ऊपर की तरफ एटलीस्ट 20 फीट होना चाहिए, 6 मीटर भी आप बोल सकते हो, ताकि पानी जो है वहीं पर जो एक्टिविटी, अगर कोई वी शुड नॉट अलाउ बट देन देर आर पीपल कि वहीं पे पानी निकाला, वहीं पे दे आर यूजिंग इट फॉर वॉशिंग वेसल्स एंड ऑल, तो वॉट वुड हैपन, वॉटर विल नॉट गो फ्रॉम साइड्स, है ना, नीचे से ही पानी वेल के अंदर इकट्ठा होगा। देन नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, अगर हम पैरापेट वॉल की बात करें, पैरापेट वॉल शुड बी अ पैरापेट वॉल ऑफ हाइट 70 to 75 centimeter अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। तो ये एक हो गया अबाउ द ग्राउंड पैरापेट वॉल हो गया। प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो नीडेड, प्लेटफॉर्म कैन बी मेड अप ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, जो वेल के चारों ओर रहता है ना, वेल के चारों ओर एक सर्कुलर सीमेंट कॉन्क्रीट का प्लेटफॉर्म वहां पर होना चाहिए। देन ड्रेन शुड बी देयर, द पक्का ड्रेन विल हेल्प इन carrying out all the spilled water, right? So what would happen unnecessarily near the well, there won't be any dirt. Covering ki baat karein, covering top of the well should be closed by a cement concrete, सो दैट जो पोल्यूशन है वो उसके अंदर नहीं जाएगा, है ना। अब इसमें से कुछ होते हैं जो ओपन वेल्स होते हैं, तो ओपन वेल्स अगर ऐसा सब बना के ओपन वेल है तो देन वी कैन नॉट कंप्लीटली कॉल इट अ सैनिटरी वेल, राइट। तो वो एक है। फिर इसके अलावा उसमें और क्या चीज है, एक हैंड पंप। द वेल शुड बी इक्विप्ड विद अ हैंड पंप फॉर लिफ्टिंग द वॉटर इन अ सैनिटरी वे, है ना। ओपन में क्या होता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू पुट देयर बकेट एंड पुल आउट द वॉटर एंड द कंटेमिनेशन इज मोर, ओके। और बेस्ट क्या है, अगर पूरा ऊपर से क्लोज्ड है एंड देर इज अ पंप विच विल पुल द वॉटर, ठीक है। So that would be the benefit of having a sanitary well like this. So before going further, sanitary well के बारे में जरा quickly हम review कर लें। Sanitary well में क्या क्या criteria याद रखना है, मैम उसका लोकेशन, यस मैम 50 फीट अवे होना चाहिए किसी कंटैमिनेटेड एरिया से, यस, और मैम हायर प्लेस पे होना चाहिए, और उसकी वेल्स की जो साइड है वो ब्रिक से बनी होनी चाहिए, प्रॉपर सीमेंटेड होनी चाहिए, और 20 फीट डीप होना चाहिए ऐसे।
पैरापेट वॉल होनी चाहिए. व्हाट इज द होल रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट सो दैट वी डोंट वांट अननेसेसरी कंटामिनेशन, है ना. वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन टू इट. ओके, सो यहाँ तक हमने शैलो वेल के बारे में डिस्कस किया. फिर हमने ट्यूब वेल्स वगैरह देखे थे. ट्यूब वेल्स इंडिया में एक मेजर सोर्स है पानी का, है ना. ट्यूबवेल जो है कि रूरल कम्युनिटी के लिए भी इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर. एंड देन एट टाइम्स ट्यूबवेल के साथ में आप देखते हो पंप रहता है या तो हैंड पंप लगाया रहता है. तो दैट इज हाउ द ट्यूबवेल्स आर बीइंग यूज्ड. स्प्रिंग्स आर देयर, द वेरियस स्प्रिंग्स. There are shallow springs and deep springs. Shallow जो हैं वो summer months में जल्दी dry up हो जाते हैं, whereas deep ones remain for a longer period of time. ठीक है. अब springs जो है हम usually we just use it because we don't pump water. It comes to the surface. At the same time, the problem can be contamination. Then about water pollution, I don't think I'll go much into revising again about water pollution because already in EVS in first year you all are studying. Major points you should cover is about what are the various water pollutants that will be there in it, you know, or kya kya waterborne diseases ho sakte hain, right? Now, what is something worth in discussing, reviewing? We have 15 minutes. What is more worth discussing is purification of water. Purification of water हमने पढ़ा था. Purification of water में हमने पढ़ा है दो टाइप से हैं, ठीक है. एक लार्ज स्केल और दूसरा स्मॉल स्केल, है ना. एक लार्ज स्केल है और एक स्मॉल स्केल है. सो लार्ज स्केल, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. अगर हम कहें पूरा जो वेल वाटर है वी आर नीडिंग इट ओवर ऑन अ लार्ज स्केल, राइट. रिवर है, सो वॉट एवर रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट दैट वी कैन कंसिडर इट एज लार्ज स्केल. एंड स्मॉल स्केल हमारे घर पे जो हम बॉइलिंग और स्टोरेज वगैरह करते हैं ना, उस टाइम पे जो केयर करते हैं दोज कैन बी कंसिडर्ड. बट अ कॉमन थिंग वी सॉ, देर आर सम कॉमन स्टेप्स. इफ यू रिमेंबर द कॉमन स्टेप्स we had studied, there are three major steps in water purification: storage, filtration and disinfection. Remembering students, water purification mein storage, filtration and disinfection. Na? First about storage we had seen that agar hum स्टोर करते हैं वाटर को तो एक तरह से नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो सकता है. अब क्यों हम कह रहे हैं कि नेचुरल प्यूरिफिकेशन होता है, बिकॉज पहला है फिजिकल रीजन. आपको भी पता है अगर कहीं पे पानी इकट्ठा है तो ग्रेविटी की वजह से काफी चीजें सेडिमेंट हो जाएंगी, राइट. So once water on a large scale, आप अगर पानी को इकट्ठा रख रहे हो तो ग्रेविटी के वजह से उसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे जाने लगेंगे. अब जब सेडिमेंट्स नीचे जा रहा है the light can penetrate, right? And what would happen? Even that would help in disinfection. तो जो मिट्टी वैसे जो थी वो नीचे चली गई. दूसरा फायदा हुआ कि अब लाइट भी उसके थ्रू जा सकती है और फिल्टर का काम करती. अब
केमिकल रीजन अगर देखें तो जब हम पानी को इकट्ठा रखते हैं व्हेन वी कीप इट स्टोर्ड व्हाट हैपेंस जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग ऑल द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर ओके सो व्हाट वुड हैपन ये सब होने की वजह से जो फ्री अमोनिया होता है दैट इज reduced in the water got it so that is one thing then jab hum ye ek aur benefit dekh rahe hain let's see biological kya effect hota hai physical humne dekha ki mitti wagera gravity se niche chala jayega fir physical mein light rays bhi aate hain to light rays us pani ke through cross ho sakte hain chemical mein humne dekha ki जो ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक बैक्टीरिया के मदद से उससे पानी के अंदर का अननेसेसरी का जो फ्री अमोनिया ऑल दैट वुड बी रिमूव्ड देन स्टोरेज में हमने एक और चीज देखा था कि बायोलॉजिकल जो इफेक्ट है कि जो हमने जो पानी रखा है उसमें दो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ग्रेजुअली डाई आउट ओके सो दैट इज वन बेनिफिट ऑफ द वाटर बीइंग केप्ट स्टोर्ड द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ स्टोरेज ऑफ इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ रिवर वाटर ऑलमोस्ट 10 to 14 days ठीक है एट द सेम टाइम हमें पता है ऐसा नहीं है कि आप बस उसको स्टोर ही करके छोड़ दोगे क्योंकि फिर उस पर एल्गे आ जाएगा है ना वेजिटेशंस ग्रो होने लगेगी और पानी स्टिंक करने लगेगा तो देयर इज अ ऑप्टिमम पीरियड इन विच आप उसको स्टोर कर सकते हो राइट जो स्टैटिस्टिक्स दिखाता है ऑलमोस्ट 90% तो आपका बैक्टीरियल काउंट ड्रॉप हो जाता है पहले के 5 से 7 दिन में ही तो मैक्सिमम आप 10 दिन स्टोरेज के एरिया में रखो then the water will be diverted to the next place what is the next place attendance has increased from 18 to 19 very good one student came back I'm happy even if one student has come back I'm happy ha storage mein humne dekha physical chemical aur biological benefits इसके बाद स्टोर होने के बाद हमें पता है अब ये पानी छनने के लिए जाना है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन ठीक है फिल्ट्रेशन में हमने देखा था दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर अब उसमें भी है देर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज्ड बायोलॉजिकल और स्लो सैंड फिल्टर्स और अनदर कुड बी रैपिड सैंड और मैकेनिकल फिल्टर्स ठीक है हम विद इन व्हाट टाइम इज देयर लेट्स सी व्हिच वन वी कैन डिस्कस स्लो सैंड और बायोलॉजिकल फिल्टर्स में क्या है स्लो सैंड और बायोलॉजिकल फिल्टर्स के कॉम्पोनेंट्स को हम पहले समझते हैं सैंड से आपको याद आ जाएगा जो आपने पहले भी पढ़ा है ये सब चीजें कि पानी को डिफरेंट लेयर्स ऑफ अगर बेड्स ऑफ सैंड में से हम अगर जाने देते हैं परकुलेट होने देते हैं तो वो एक तरह से फिल्टर का काम करता है तो स्लो सैंड फिल्टर विल कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग इज आपके पास रॉ वाटर होना चाहिए राइट सुपरनेटेंट रॉ वाटर उसके बाद देर इज अ बेड ऑफ सैंड ग्रेडेड सैंड नॉट लाइक एनी सैंड यू कैन पुट इन टू द फिल्टर तो ग्रेडेड सैंड है उसके बाद एक अंडर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और फिल्टर कंट्रोल के वाल्व्स होते हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ सुपरनेटेंट वाटर तो ये जो है पानी का फायदा क्या है जब सैंड के जस्ट ऊपर जब रहेगा तो इट प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टेंट कवर ऑफ वाटर है ना
तो इससे क्या फायदा होगा? When always there is a layer of water over the sand bed, continuous downward पानी जाता रहेगा, एक तरह से यही पानी का प्रेशर मेंटेन हो रहा है और पानी छन छन के जो है नीचे जाता रहेगा फिल्टर बेड के थ्रू. दिस विल हेल्प इन डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, है ना? तो वो हमने एक उसमें देखा था. और नेक्स्ट उसमें क्या फायदा है? देर इज अ, अब वहां से वो छन के आ गया, अब पहुंचता है वो सैंड बेड के वहां पे आ गया, जो सुपरनेटेंट वाटर हमने समझ लिया क्या उसका फायदा है ना? सुपरनेटेंट वाटर को हमने समझ लिया कि डायरेक्टली हम केवल सैंड बेड रख के थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर बहने नहीं दे रहे हैं, हम उसके ऊपर पानी कलेक्ट होने दे रहे हैं. वी आर अलाउइंग इट टू बी देर, राइट? एंड देन सैंड बेड, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प? इट विल बी हेल्पिंग इन फिल्ट्रेशन. सैंड बेड ऑलमोस्ट 30 to 40 सेंटीमीटर डेप्थ में इसे डाला जाता है. फिर वहां से अगर हम देखें जो इफेक्टिव डायमीटर है, जो सैंड यूज होता है, जो ग्रेडेड सैंड है, वो 0.2 to 0.3 मिलीमीटर होता है. ठीक है, इस पे कोई क्ले या कोई काई ऑर्गेनिक मैटर ये सब नहीं उस पे लगा रहना चाहिए. एकदम साफ सैंड है, उसको बिछा दिया 30 से 40 सेंटीमीटर डीप. ओके, सो दिस इज डन. एंड इसके अलावा सैंड के ही नीचे क्या रहता है? एक लेयर ऑफ ग्रेवल रहता है. ठीक है, जो स्टोन्स के जो छोटे छोटे ये रहते हैं ग्रेवल, वो भी ग्रेडेड ग्रेवल है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी और उसके साथ में, एकदम क्लीन ग्रेवल रहता है. देन उसके बाद उसमें से जो ड्रेन आउट होता है, दैट गोज टू दी फर्दर एरियाज. नाउ सैंड बेड जो है ये वास्ट सरफेस एरिया देता है, ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर मीटर एरिया पानी उसके थ्रू क्रॉस करता है. फिर सेडिमेंटेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन, सो देर आर वेरियस प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग. ओके, विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबली हम रिविजन्स नहीं करेंगे, इट विल बी डायरेक्टली टेस्ट, बिकॉज स्टूडेंट्स विल रन अवे इफ आई से रिविजन्स करना है.